हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज का व्लॉग है, दुबई घुमाने के लिए आए हुए किसका है मेरे को नहीं पता, लेकिन पार्टी चल रही है। अभी हम लोग को अलाउड तो है नहीं, यहाँ पे होती है बुकिंग होती है। देखो कैसे आपके पहले कैसे भाई सही है। देखो अभी यहाँ पे पता नहीं कितना पैसा लेते हैं क्या लेते हैं, लेकिन पार्टी करने का मज़ा ही अलग होता है। हम तो बस कभी इंजॉय करने आते हैं, सोचा कि चलो यार एक आधा टाइम में हम भी जाएं। लेकिन साला मैंने पूछा तो वहाँ पे कितना बोला मालूम है? 8,000 दरहम। 8,000 दरहम मतलब इंडिया का 1,25,000 के आसपास बन जाते हैं। तो इतने पैसे कहाँ से? साला हम पूरा साल कमाई करेगा तो भी इतना जमा नहीं होता हम लोग के पास जितना उसका पार्टी का पैसा है। इसका पता नहीं बेड़ा गर्क हो गया, कोई बिजनेस नहीं करने के लिए आ रहा है तो बंद पड़ गया इसका, कोई बुकिंग नहीं है। ये अभी तक ये जो है ना शुरू नहीं हुआ, अभी शुरू होने वाला है। शुरू शायद ये शाम को 7:30-8 बजे शुरू होता है। वो तो लास्ट में भी चले उधर एक पार्ट बोलते हैं दुबई से टीवी लेके जाने का, और दुबई वाले बाहर से टीवी मंगा रहे हैं। देख सकते हो कितने बड़े बड़े टीवीज है, LG नानो सेल, इतने बड़े बड़े टीवी है। और लोग कहते हैं कि भाई बाहर से लेके आओ, बाहर से लेके आओ। जब बाहर वालों को ही अपने यहाँ से इनपुट करवाने का आदत है तो फिर बाहर से लेके जाने का क्या फ़ायदा? लेना है तो अपने देश से ले लो। देखो ये रोलेक्स बिल्डिंग है, जो सामान लेना है ना अपने यहाँ से लो, देसी माल लो, विदेशी नहीं। मेरा कहना तो यही है। जैसे आप लोग ये देखो, ये देख सकते हो बोट जिसमें नाइट टाइम में है ना नाइट क्लब चलती है। जैसे नाइट क्लब मतलब यहाँ पे खाना वगैरह खाने के लिए रेस्टोरेंट, दोस्तों वगैरह मतलब अपने फैमिली पार्टी वगैरह चलता है। बहुत मज़ा आता है कसम से घूमने के लिए यहाँ पे। अभी हम लोग तो नहीं जाते उसके अंदर, क्योंकि जितने में हम लोग इसमें खर्चा करेंगे उतने में तो हम अपने घर रुके भी। एक वहाँ पे हो रहा है, देखो मैं जूम करके, अरे यार ये क्या रह गया बीच में, हाँ ये देखो जूम करके दिखाता हूँ। अभी वहाँ पे भी पार्टी होने वाली है, किस दिन सोच रहा हूँ जुमेरा बीच जाने का, लेकिन अभी जुमेरा बीच जाने के लिए देखते हैं टाइम तो मिल नहीं रहा है। जिस दिन टाइम मिलेगा उस दिन जाएंगे। कसम से ऐसे वाले बोट्स में ये मतलब यहाँ पे रुकता नहीं है, इसमें जब बुक हो जाता है ना हॉल तो ये लेके समंदर में निकल जाते हैं, बीच समंदर में पूरा एकदम खुले में निकल जाते हैं। तो जाएगा रे तो अंदर जाएगा, टोनी जाएगा अंदर? हाँ साइकिल लेके जाएगा? टाइम नहीं है उतना अभी। क्यों चलना है? जाते हैं ये देख, अभी देख 1, 2, 3 है, 4 है रे। क्यों कसम से रे, देख रे तेरे लिए देख कितना पूरा कितना कितना अच्छा सजाया हुआ है, देख मजा आएगा रे। हाँ देखो एकदम कितना डेकोरेशन, अच्छे से डेकोरेशन बनाया हुआ है, देख सकते आप लोग फुल्ली लाइटली है। मज़ा ही आता है ऐसे इसमें घूमने के लिए। यहाँ पे आओ, कभी आओगे ना बहुत शांति मिलती है शाम के टाइम में आने का, बहुत मज़ा आता है। अभी हमारे पास टाइम नहीं है, हमारा गाड़ी छूट जाएगा इसलिए मैं निकल रहा हूँ जल्दी। अगर किस दिन टाइम मिलेगा ना कसम से यहाँ पे आके एकदम माइंड फ्रेश होता है। बाहर आते हैं ना घूमने के लिए, खेलने का मतलब अपने दोस्तों के साथ, जो काम का स्ट्रेस होता है सारा फ्रेश हो जाता है। इसका पता नहीं स्ट्रेस फ्रेश होता है नहीं होता है, लेकिन अपना होता है। जब देखो तभी खोया हुआ रहता है, देवदास बना हुआ है ना, पता नहीं कौन से ख्यालों में खोया रहता है। बोलता है पैसा नहीं जमा होता, पैसा नहीं जमा होता, पैसा नहीं, पैसे के लिए पूरा पागल है। कब पता मतलब इसका पैसे का नशा उतरेगा पता नहीं। एंजॉयमेंट, एंजॉय कौन सा एंजॉय रे, ना तेरी गर्लफ्रेंड तेरे को घास डालती है। गर्लफ्रेंड नहीं है इसलिए एंजॉय करने का, वही प्रॉब्लम है ना। बोला तेरे को कभी भाई गर्लफ्रेंड बना, दुबई में गर्लफ्रेंड बना, लाइफ सुधर जाएगी, लेकिन वो तो है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। जब देखो तभी एक ही बस एंजॉय एंजॉय एंजॉय, पता नहीं कितना एंजॉय करेगा। लाइफ का एंजॉय है ना वो होता है जब लाइफ पार्टनर होता है, सही कि नहीं दोस्तों? अगर मेरी बात में अगर मेरी बात अगर गलत है ना कमेंट में बताओ कि इसमें क्या है, क्या सही है क्या सही नहीं है। हाँ सिंगल रहने तक ठीक है जी लो, लेकिन अभी तो उम्र हो रहा है ना, और थोड़े दिनों बाद बुढ़ा हो जाएगा, बाल सफेद हो जाएगा, फिर कौन लड़की देगा बे? ऐसे कम है उम्र, मेरे से कम मतलब 1-2 साल कम होगा।
हाँ फिर पार्क भी है, कितना सुंदर पार्क लगता है देखो, सब लोग कितना एंजॉय करते हैं। बीच में गाड़ी कहाँ से आ गया, इधर बच्चों का खेलने के लिए किड्स भी है, बच्चे भी खेल रहे हैं, बड़े भी खेल रहे हैं। हाँ ये बाइक कितने का हो रहा है बाइक, ये हाँ टोनी 500 तक होएगा, 500 तक होगा नहीं रे, ज़्यादा महंगा होगा, 500 के ऊपर होएगा। देख सकते हो कितना अच्छा व्यूज है, पार्क भी है, पार्क है, ये नाइट क्लब की तरह है पार्टी के लिए। देखो यहाँ पे बच्चे कम और बड़े ज़्यादा खेल रहे हैं, खेलने का मज़ा ही अलग है। ये मेन रोड है वहाँ से जो है ना, ये गवर्नमेंट का ऑफिस खड़ा है, जैसे देख सकते हो मेरे पीछे जो है ना बस खड़ा है, हमारी कंपनी का बस खड़ा है यहीं पे। अभी बस जाने में टाइम है थोड़ा सा। तो देखो दोस्त लोग यहाँ पे सब लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, पूरा मतलब संडे का जो होता है ना अपने फैमिली के साथ एन्जॉयमेंट होता है। देखो यहाँ पे क्रिकेट खेल रहे हैं, जाएगा क्रिकेट खेलने के लिए, चलो। हाँ यहाँ पे धोनी है, विराट कोहली है, सहवाग है, हर कोई मिलेगा, सबका एन्जॉयमेंट फुल अपना अपने हिसाब से चल रहा है। आप एक टीम नहीं, चार पाँच टीम है अलग अलग, हर किसी का अलग अलग, यहाँ देखो वहाँ पे अलग अलग टीम है, देख ही रहा होगा आप लोगों ने। अभी अपना व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, थैंक यू, आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो। अगर आप लोगों को इसमें कुछ गलत लगा हो या कुछ अच्छा लगा हो तो मेरे को कमेंट्स में आप लोग बता सकते हो कि मेरा व्लॉग कैसा लगा क्या नहीं लगा, ठीक है। तो मेरे वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया दोस्तों, ऐसे सपोर्ट करती रहेगा, ऐसे मैं अच्छा अच्छा वीडियो बनाते रहूँगा आप लोगों के लिए लाते रहूँगा। अभी दुबई का वीडियो जो हम लोग दुबई में घूमने गए थे वो अभी डाल रहा हूँ, आगे फिर कोई नया प्लेस में जाऊँगा, नया वीडियो बनाऊँगा आप लोगों के लिए। आप लोगों को मैं ऐसे नया नया वीडियो नया नया कंटेंट लाते रहूँगा आप लोगों का सपोर्ट से। थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया मेरे वीडियो को देखने के लिए, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक्स कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, नीचे जो बेल आइकन दिख रहा है उस आइकन को दबाइएगा ताकि आप लोगों को सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन मिले मेरे वीडियो का। तो यही ख़त्म करते हैं मेरा वीडियो।